नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि आप चार तार और तीन तार का जो सीलिंग फैन के कनेक्शन होते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे। दोस्तों अभी देखिए इसमें चार तारें हैं, दो ये ब्लैक कलर की है और दो ये रेड कलर की तारें हैं। दोस्तों जो दो रेड कलर की है ये रनिंग की है, जो ब्लैक कलर की है वो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल की लीडें निकल करके आई है। दोस्तों हम इसे चेक कर लेते हैं सीरीज से और इसको शॉर्टिंग भी इसकी चेक कर लेते हैं बॉडी के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों हम इसकी अब स्टार्टिंग की करते हैं चेक, तो स्टार्टिंग की कॉइल भी हमारी बिल्कुल सही है, शॉर्टिंग कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों हम इसे किस तरह से कनेक्शन करना है ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रख लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है, तो फिर आप तक वो आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों दो रेड है दो ब्लैक है, तो इसमें से हमने एक रेड लेनी है और एक ब्लैक वाली तार हमने लेनी है। ठीक है दोस्तों, इनको हमने इकट्ठा मिला देना है। कोई सी भी आप ले सकते हो, कोई सी भी रेड ले सकते हो एक, और कोई सी भी एक ब्लैक कलर की वायर आप ले सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों यदि किसी और कलर की होगी वायरस तो आप उसे भी ले सकते हो। जो चार तारें डिफरेंट डिफरेंट कलर की निकली है ना, दो एक कलर की और दो एक कलर की, तो उनमें से आप दोनों में से एक एक वायर को ले करके आपको क्या करना है कि उन्हें आपस में एक साथ इकट्ठा मिला देना है। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपके पास दो तारे अब बच जाती है, एक रेड बचती है और एक ब्लैक कलर की वायर आपके सामने बच जाती है। तो आपने क्या करना है दोस्तों कि जो एक रेड है एक ब्लैक है उनको दोनों को आपस में कैपेसिटर से कनेक्ट कर देना है, जो कैपेसिटर की जो दो तारे होती है। ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें क्योंकि आपको ये बड़ा काम करने वाला है, यहाँ अभी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे भी है दोस्तों। इसके बाद आपने क्या करना है और किस तरह से करना है देखिए दोस्तों, अब हमने इनके कनेक्शन आपस में इस तरह से कर देने हैं, एक रेड को कैपेसिटर के साथ और जो एक बची थी ब्लैक उसको भी कैपेसिटर के साथ जोड़ देना है। अब बशर्ते दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो इसकी टार्क्यू है मीन्स घूमता है पंखा, वो यदि उल्टा घूम रहा है इस पोजीशंस में, क्योंकि अब हम एक मेन को सप्लाई देंगे और एक ब्लैक या रेड कलर की वायर पे देखेंगे जिधर को ये सीधा चलेगा, परंतु जो इसकी रेड कलर की है रनिंग में ये सीधा चलना चाहिए। दोस्तों देखिए हम इसको अभी चेक करके देखते हैं, ये देखिए ये ब्लैक कलर की वायर से ये टच करने पर हमारा ये सीधा घूम रहा है पंखा। जब हम रेड के साथ मेन लाइन को चेक करेंगे तो क्या है दोस्तों कि ये उल्टा घूम रहा है। तो दोस्तों अक्सर होना क्या चाहिए कि ये रनिंग के साथ कनेक्शन देने पर, फेस न्यूट्रल देने पर ही हमारा जो सीलिंग फैन है वो सीधा घूमना चाहिए, परंतु ये ब्लैक के साथ घूम रहा है, स्टार्टिंग के साथ घूम रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए पूरे टार्क्यू के साथ ये दूसरी पोजीशन में घूम रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने इसमें से एक रेड को निकाल करके यहाँ लगा दें, दूसरी रेड को चेंज करके कैपेसिटर पर लगा दें, बस आपने ये रेड रेड वायर आपस में चेंज करनी है और आपका काम बन जाएगा और ये पंखा सीधा घूमने लग जाएगा। हम इसे चेंज कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है, इस रेड को आपने यहाँ लाना है और इस रेड को आपने यहाँ पर कैपेसिटर के साथ जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम जोड़ देते हैं, हमने इसे जोड़ दिया है, ये देखिए हमने ये चेंजिंग कर देनी है, इस रेड को हमने यहाँ लगा देना है। मैं बहुत ही आसानी से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपने जोन सी जो दो रेड की वायर थी उनको आपस में चेंज करना है, जो आपने कैपेसिटर पे लगाई थी उसको आप अब मेन लीड के साथ लगा दीजिए और जो आपने मेन लीड के साथ लगाई थी उसे आप कैपेसिटर की तार पर लगा दीजिए। सिर्फ आपने रेड रेड कलर की वायर चेंज करनी है, मीन्स कोई और कलर्स भी हो सकता है स्टार्टिंग रनिंग का, तो आपको मैं वो तरीका भी बता दूंगा अगले वीडियो में। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य होता है, यदि हमारे को कोई सब्सक्राइब करता है, हमारे फैमिली के साथ जुड़ता है, हमारा मेंबर बनता है, तो हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है कि हम इस तरह के वीडियो और ज़्यादा लेकर आएँ। और हमारे लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, सिर्फ एक लाइक। लाइक करने से क्या होगा दोस्तों कि आपका ना तो कोई पैसा लगने वाला है और ना ही आपका समय बर्बाद होने वाला, एक क्लिक करना है और लाइक कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसका जो
रनिंग हम ब्लैक के साथ लगाते इसको तो ये उल्टा घूम रहा है, और जब हम रेड के साथ लगाएंगे तो ये सीधा घूम रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, ये तीन वायर वाला हमारा एक पंखा है, तो इसके कनेक्शन भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आपने क्या करना है, कैपेसिटर को हम पहले लगा लेते हैं, इसी के साथ कैपेसिटर से चेक कर लेंगे कि ये अब किस तरह से करेंगे। दोस्तों इसमें तीन वायर्स निकली हुई है, देखिए एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है। तो हमने क्या करना है दोस्तों कि जो हमारी येलो वाली वायर है, चाहे हमारी ग्रीन है चाहे येलो है, रेड को छोड़ करके आपने रेड वायर को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, रेड वायर को छोड़ देंगे तो हमारा जो क्या नाम के जो दो तारें बचेगी उनमें हमने कैपेसिटर को जोड़ देना है, क्योंकि जो रेड वाली वायर होती है वो हमेशा तीन तार जो कनेक्शन निकलती है उसमें ये मेन लीड ऑलरेडी बनाई होती है। स्टार्टिंग रनिंग को जिस शॉर्ट हमने बाहर किया था, ये ऑलरेडी अंदर से ही शॉर्ट करके बाहर एक लीड निकाल देते हैं, मेन लीड वो रेड कलर की होती है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको सप्लाई देने की कोशिश करेंगे, हम इसे सप्लाई देंगे। और ये स्पैक कैपेसिटर, सॉरी दोस्तों, ये कैपेसिटर थोड़ा वीक है तो हम दूसरा कैपेसिटर चेंज कर लेंगे। ये वाला कैपेसिटर वीक है, हमने इसे चेक नहीं किया, तो हम ये कैपेसिटर लगा देते हैं दोस्तों। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, जैसे हम ग्रीन वायर पे लगाएंगे तो ये पंखा मूवमेंट करने लग जाएगा, जितना झटका नहीं ले रहा है क्योंकि इसकी हैवी वायरिंग हुई हुई है। तो हम आपको इसको पेंचकस में फंसा करके दिखा देंगे। ये अभी हम जैसे टच करेंगे ग्रीन और इसके साथ, तो ये पंखा हमारा चलने लग जाएगा और बहुत अच्छी स्पीड से चलने लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या ध्यान रखना है कि बस उल्टा सीधे का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जो ब्लू कलर की वायर है उस पर पंखा नहीं घूमता है, सीधा भी घूमता है पर नहीं घूमता है। इसमें देखिए बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, जबकि लोड पूरा ले रहा है। देखिए टेस्ट लैंप, देखिए आप सर टेस्ट लैंप कैसे जल रहा है। तो अब देखिए हम इसे, जैसे हम ग्रीन और इसके ऊपर रेड के ऊपर हम जैसे ही सप्लाई देते हैं सीरीज में, तो बहुत अच्छी स्पीड से ये घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से घूम रहा है। तो हम इसी तरह से आपको ये वाला पंखा भी दिखा देते हैं घुमा करके कि इसकी स्पीड कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा चलिए, अब देखिए इसकी स्पीड, देखिए आप दोस्तों, ये अच्छे से वर्क कर रहा है, बढ़िया से चल रहा है। तो आपने